कोटा में कैथोनीपॉल इलाके में नाबालिग की जबरन शादी कर उसे बंधक बनाने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता के पिता की मृत्यु हो चुकी है और मां की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में साल 2017 में पीड़िता की दो बुआओं ने जबरन नाबालिग की शादी कोटा निवासी सुनील से कर दी थी। पीड़िता ने इसका विरोध किया तो सुनील ने पीड़िता को बंधक बनाया और प्रताड़ित किया। साथ ही आरोपी सुनील ने अपने पिता के साथ भी संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया। पीड़िता एक दिन आरोपी के चंगुल से निकली तो उसने झांसी पुलिस स्टेशन में पति के खिलाफ बंधक बनाने, रेप करने और प्रताड़ित करने का केस दर्ज करवाया। साथ ही आरोपी के पिता सहित अपनी दोनों बुआओं के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया है। फिलहाल कैथोनीपॉल पुलिस ने आरोपी सुनील को झांसी पुलिस के सुपुर्द किया है। दर्ज हुआ था बलात्कार, नाबालिग के साथ बलात्कार हुआ था, जिसका मुलजिम लकी बुर्ज करने वाला है, तो उसको झांसी दौलत की पुलिस कई बार तलाश करने आई तो ये फरार कर रहा था। आज हमें सूचना मिली कि भाई ये आदमी यहाँ आया हुआ है, उस सूचना पर हम इसको ला करके लाया। एन पी पुलिस को हमने सूचना दी है, वो वहाँ की टीम रवाना हो गई है, वो इसको लेकर जाएंगे। उन्होंने जब एम पी पुलिस ने बताया कि भाई यहाँ की बच्ची थी वो उसके पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं, माँ की मानसिक स्थिति सही नहीं है, उनकी बुआओं ने इसको बेला फुसला कर कोटा लेके आई और नाबालिग होते हुए भी इसकी शादी सुनील नाम के व्यक्ति से करवा दी।